हेलो गाइस, तो आज हम जा रहे हैं करेरी लेक और आज हम ऑटो लेके जाएंगे और को हम पूरा रोड बताएंगे। और आज हमारे साथ हमारा भाई भी जा रहा है। डीजल वाली गाड़ी में पेट्रोल डलवा लिया है, आगे जाकर रुकना पड़ेगा कहीं पे। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। करेरी 18 किलोमीटर रह गया बस हम पहुंचने वाले हैं करेरी 1.5 घंटे में। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस बंदे ने अपनी बेटी पकड़ी नहीं है और यह गाड़ी के आगे भी आ सकती थी, तो कृपया अपने बच्चों को पकड़े रखें। चाचा ये कह रहे रस्ता ही क्या? नहीं चला, नहीं रोड़ा। धन्यवाद। ये मुर्गी है नोए लेना? नहीं नहीं देंगे, बड़ी ना भारी है, फिर भी ले तो मो पता चलता है। पांच के पार्ट के भी देंगे, तो मुर्गी आ रहा ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਹ ਮੈਂ ਉਤਰ ਗਿਆ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵੀਡੀਓ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਬਣਦੀ।
अभी हम 11-6 किलोमीटर रह गए और बस हम 12 किलोमीटर कह रही है और अब हम बस कैरी पहुंच जाएंगे तो हम आगे जाके ट्रैक शुरू कर देंगे और हम आपको ये भी बताएंगे कि हम क्या क्या लेके जा रहे हैं और यहाँ की सुंदरता तो बहुत ही अच्छी है। यहाँ आप हर जिस तरफ देखोगे आप हरियाली हरियाली है और शांत वातावरण है बिल्कुल और बहुत अच्छा है और हमें मज़ा आ रहा है। चलो आगे देखते हैं कितना मज़ा और आएगा। इससे पानी सप्लाई होता होगा। पानी देखना वो जो छाक वाला पानी जा रहा है ना वो ये इधर कहीं पे फिल्टर होता है ना इसीलिए उसमें से केमिकल वाला झाग जा रहा है तभी इतना ब्लू ब्लू हो रहा था। और आप यहाँ की वादियाँ देखिए दौर है रास्ते में गाय है हमारा कार जो है इस टाइम कछुए के चल चला हुआ है यहाँ पर आप तेज जा ही नहीं सकते। ये तो आप बिल्कुल ठीक बोल रहे भाई सवाला आने सत्य बात है गाड़ी 20 की स्पीड से आगे नहीं जा रही है और यहाँ का रास्ता बड़ा खराब है बोर्ड बहुत ज़्यादा अगर आप गाड़ी लेके आए तो बिल्कुल संभल के चलाएं। We'll be right back.
कॉटेज बंदा ना तो अभी हमने यहाँ पे गाड़ी लगाई है और इस तरफ से आगे रास्ता और यहाँ पे बड़े ज़्यादा लोग आए हुए हैं, देख लो आप। HP चंडीगढ़ से आए हैं और बड़े बंदे आए हैं। अब आगे मैं आपको बताऊंगा कैसा है। और यहाँ पे आगे एक नदी भी बह रही है और यहाँ देखिए कितना शांत वातावरण है और हरा भरा मौसम है पूरा और ठंडी हवा चल रही है। चलो प्रेरित किया।